देखो दोस्तों, पंजाब कॉन्स्टेबल दे जिहड़े एडमिट कार्ड आ आ चुके ने। इह तुहाडे सामने है एडमिट कार्ड, ते तुसीं ऐसे देख सकदे हो पोस्ट कॉन्स्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर ते आर्म्ड पुलिस कैडर दा। ते इह सारा एडमिट कार्ड है। ते काफ़ी कैंडीडेट मैंने कमेंट कर रहे हैं कि फेक है वीडियो, ते बाकी फेक नहीं है। जिन्हों का मॉर्निंग 25 तरीक नूं मॉर्निंग दी शिफ्ट ज शिफ्ट के एग्जाम है, उन्हें दे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन्हों का ईवनिंग है या 26 नूं है, उन्हें दे एडमिट कार्ड शायद हले हो सवेरे इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट उपर तुसी चाढ़ सकते हो, मतलब कि चाढ़ सकते हैं, ये तुसी देख सकते हो। बट यार थोड़ा जहा बुरा लगता है ना, इन्नी मेहनत नाल वीडियो तुहानू अपलोड करता, इन्नी क्लासेस तुहानू प्रोवाइड करवाई है, इन्नी पीडीएफ फाइल तुहानू प्रोवाइड करवाई है, फिर भी तुसी कमेंट कर रहे हो कि फेक है झूठ बोल रहा है, मतलब व्यूज दा मारा है ना, ये वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आए उन्होंने लगता। बट अद्धे कैंडिडेटा दे आ चुके हैं, इतने तुम देख सकते हो मेरा कोई सबसक्राइबर है उसका यह एडमिट कार्ड है, तो मैं हूने डाउनलोड किया। तो यह कॉन्स्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर से आर्म्ड पुलिस कैडर का एडमिट कार्ड है। तो इस आप हम देख लें कि सब तो मेन मेन गल् कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिहड़े तुम फॉलो करने। सब तो पहला यह एक फॉर्म के नाल इस फिल कुछ नहीं करना, जस्ट अपना नेम फिल करना, अपने फादर का नेम फिल करना, तो सिग्नेचर करके नाल इसका प्रिंट आउट कढ़ा के अपने नाल एग्जाम हॉल में लैके जाना है। एंड इस अलावा एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो इतने चपके के लेके जानी, मतलब ओरिजिनल फोटो इतने चपका के लेके जानी है तुसी। इस बाद इतने जरूरी हदायतों में आप देख सकते हैं कि जिहड़ी कि दाखला कार्ड ते है, फोटो तो बिना उम्मीदवार को प्रीख्या में शामिल होने की आज्ञा नहीं होगी, मतलब फोटो चपे के लेके जानी काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस तो अलावा टाइम टू रिपोर्टिंग करो। इस तो अलावा पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, अपनी आईडी प्रूफ जरूर लेके जाओ, एक या दो। वैसे तो इन्होंने इतने एक आईडी प्रूफ कोई भी नाल लेके जाने लिए कहा, पर कोई प्रॉब्लम ना आए तो दो या तीन जिन्हें भी थोड़े को आईडी प्रूफ ने नाल जरूर ले जाओ। इस तो बिना भी तुहानू एग्जाम हॉल में बैठन नहीं दिता जाएगा। इस तो अलावा दाखला कार्ड तो बिना उम्मीदवार को किसी हालत में परीक्षा लिए बैठने की इजाजत नहीं होगी। इस तो अलावा काफ़ी कैंडीडेट मैं तो पूछ रहे थे कि कॉन्स्टेबल के एग्जाम में नैगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इतने इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफलाइन परीक्षा में नैगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं है। इस तो अलावा कोई भी चीज़ आपको पेन पेंसिल एग्जाम में नहीं लेके जा दी, बाकी तुम्हें इंस्ट्रक्शन का पता ही है क्योंकि तुम ऑलरेडी सारे एग्जाम दे चुके हो, कॉन्स्टेबल हैड कॉन्स्टेबल तो पटवारी के होर काफ़ी एग्जाम तुम दे चुके हो, तो तुम्हें यह पता होगा कि चीज़ा नॉट अलाउड है। एंड काफ़ी कैंडीडेट पूछते हैं कि सर कोविड की रिपोर्ट लेके जानी जरूरी है या नहीं, तो बस इतने इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, ये फॉलो कर लियो। तो यही स्वैय घोषणा पत्र है, यही डाउनलोड करके इसका भी प्रिंट तुसी नाल लेके जाना है। इतने अपना उम्मीदवार का नाम, तो रोल नंबर, तो एग्जाम डेट, तो सेंटर का नाम जिथे थोड़ा एग्जाम होगा, तो इतने सिग्नेचर करके नाल उत्थे जो आप एग्जाम हॉल में जावे उत्थे उन्होंने सबमिट करवाना जरूर। जो कोई होर जानकारी लेना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है। एंड कॉन्स्टेबल रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल तुम बाय करना चाहते हो तो भी मैं तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, एंड पूरी इनफॉर्मेशन ले सकते हो।